हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हमेशा की तरह मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन था, कंसिडर टू नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरियंस ऑफ 10 and 20 रेस्पेक्टिवली। If two independent random sample drawn from the two population are of the size 30 and 24 and their variance 10 and 15 respectively, the value of static F is। F distribution पे हमने पहले भी question किए हैं, but ये question जो है थोड़ा अलग है। इस question में हमें दो different population दिए हुए हैं और उनसे हम इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ड्रॉ करते हैं और हमें उनका एफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व होगा, बड़े ध्यान से आप इसको भी याद कर लेंगे। एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एस टू, क्या है यहाँ पे एस टू वन, वेरियंस ऑफ सैंपल वन अपॉन सिग्मा स्क्वायर। वन क्या है यहाँ पे, वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन वन डिवाइड बाय एस टू स्क्वायर, क्या है यहाँ पे वेरियंस ऑफ सैंपल टू अपॉन सिग्मा स्क्वायर टू, क्या है यहाँ पे वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन टू। हमें सारी वैल्यू दी हुई है, जस्ट हमने इन वैल्यू को अपने इस फॉर्मूला में अब पुट करना है। तो सैंपल वन का वेरियंस कितना है, 10, पॉपुलेशन वन का वेरियंस भी 10 है, सैंपल टू का वेरियंस 15 है और पॉपुलेशन टू का वेरियंस क्या है 20। तो 10 upon 10 कितना हुआ 1 और 15 divided by 20 कितना होगा 0.75, 1 upon 0.75 कितना होगा 1.33। ये आपका सही आंसर है। दो तीन क्वेश्चन इस टाइप के इस फॉर्मूले पे बेस्ड आए हैं पहले भी, आप सभी की उनकी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली मैं भी उन्हें सोल्व करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको इस क्वेश्चन पे या मेरे किसी भी वीडियो पे, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7696180020, जो मैंने पहली स्लाइड पर लिखा हुआ भी है। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँ। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।